नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूँ। डीटी प्रेस भी मॉर्निंग न्यूज विद मोटिवेशनल थॉट में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का थॉट, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास में कितनी भौतिक संपदा है, धन दौलत है, गाड़ियां हैं, मकान हैं, पैसे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फर्क इससे पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी के बिताए, हम कितने खुश हैं, और सबसे बड़ी बात कि हमारी वजह से कितने लोग खुशियां मना रहे हैं, या हमने कितने बंदों को खुशी मुहैया कराई। यह है जीवन का असली ध्येय। भौतिक संपदा इकट्ठी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों को खुशियां देना सबसे बड़ी बात है। आपकी वजह से अगर एक बंदा भी खुश है तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है। दूसरी बात, प्रॉब्लम इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। जो समस्या है वो आपकी जीवन का एक पार्ट एंड पार्सल है, हिस्सा है। और ऑलवेज स्माइलिंग इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। और हमेशा मुस्कुराते रहना एक कला है इस लाइफ। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और लाइफ में मस्त रहिए, स्माइल करते रहिए। सो प्लीज कीप ऑन स्माइलिंग ऑलवेज। ये तो थे थॉट। अब बात करते हैं आपके डीटीएसबी में क्या हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे आज एक NCERT में टीचर वैकेंसी या रिक्रूटमेंट गोइंग ऑन है। ये है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, भुवनेश्वर में है। आप इसकी साइट खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। और इसमें TGT की है और लाइब्रेरियन की है पोस्ट, आप देख सकते हैं। वहाँ पर जाकर क्लिक कीजिए, आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा एड आपको दिखाऊँ, पूरी वैकेंसी आपको दिखाऊँ, तो मेरे कमेंट्स में आप बोल दीजिए, मैं उसको लेकर आ जाऊँगा। फिर हम बात करते हैं MHRD और UGC का जो फैसला था, बहुत बड़ा फैसला है कि 2021 के बाद में PhD असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए असेंशियल नहीं रहेगी। तो जो हमारी भर्ती होगी वो केवल नेट क्वालिफिकेशन के आधार पर ही होगी। लेकिन इसमें लोगों को बहुत डाउट है, वो डाउट मैं आज क्लियर कर रहा हूँ। वो यह बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, PhD जरूरी है। नहीं, एंट्री लेवल पर इसमें लेवल होते हैं, 10, 11, 12, 13, 13 ए, 13 बी, इस तरह से लेवल होते हैं, ठीक है। तो एंट्री लेवल होती है 10। तो जो एंट्री लेवल है वहाँ पर आपका UGC ने नेट की PhD की अनिवार्यता ख़त्म कर दिया है। अगर UGC के द्वारा आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आप अफसर प्रोफेसर बन सकते हैं। वो जो PhD की बाध्यता है वो है आगे प्रमोशन के लिए। 10 ग्रेड से आप 11वें जाएंगे, 12वें में जाएंगे, 13वें में जाएंगे, तब आपको PhD की आवश्यकता होगी। लेकिन एंट्री लेवल पर आपको PhD की आवश्यकता नहीं है। मोटे मोटे शब्दों में ये है बात है। चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अच्छी न्यूज के साथ और किसी झील के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।